वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ माइकल अराउंड इंग्लिश स्कूल प्री प्राइमरी सेक्शन. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कम्युनिटी हेल्पर्स. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय कम्युनिटी? कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल लिविंग इन सेम प्लेस. मीन्स एक ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल मीन्स आम लोगों का एक ग्रुप पीपल जो एक ही जगह पर साथ में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी. और वो कम्युनिटी की जो हेल्प करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? कम्युनिटी हेल्पर. मीन्स अ ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल लिविंग इन अ सेम प्लेस हेल्प्स ईच अदर इज नोन एज कम्युनिटी हेल्पर. अब जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें हमें हेल्प कौन करते हैं? टीचर करते हैं, डॉक्टर, पुलिसमैन, राइट? सो ये सब क्या है? हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज Who teaches us in school? Who teaches us in school? Means टीचर्स अस इन स्कूल. अब जो स्कूल है, स्कूल में हमें टीच कौन करता है? कौन पढ़ाता है? टीचर, राइट? द टीचर टीचर्स अस इन स्कूल मीन्स जो टीचर है वो क्या करते हैं? वो स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ाते हैं, राइट? द टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ. जो टीचर है वो क्या करते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं स्टूडेंट की लाइफ में, राइट? सो टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट लाइफ. टीचर टीचर्स अस इन स्कूल मीन्स Who teaches us in school? Means school में हमें कौन पढ़ाता है? तो कौन पढ़ाता है हमें? Teacher teaches us in school. Okay? Now second, see the picture. To whom do we go to when we are sick? Means to whom do we go to when we are sick? Means जब हम लोग sick होते हैं, means जब हम बीमार होते हैं, तो हम किसके पास में जाते हैं? We go to the doctor when we are sick. जब हम बीमार होते हैं तो हम doctor के पास में जाते हैं, right? जब हम sick होते हैं तो अ डॉक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन अवर सोसाइटी. जो डॉक्टर है वो हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डॉक्टर ट्रीट सिक पीपल. जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं? सिक पीपल मीन्स जो बीमार लोग रहते हैं उन्हें क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, राइट? डॉक्टर ट्रीट पेशेंट्स इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स. अब डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को कहाँ ट्रीट करते हैं? नॉर्मली हॉस्पिटल्स में या फिर क्लिनिक में, राइट? नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट इज हुज पिक्चर इज Whose picture is this? Policeman, right? He is policeman. So who catches robbers? Who catches robber means what? See, जो robbers हैं means जो thieves होते हैं, चोर होते हैं, उन्हें कौन catch करता है? कौन पकड़ता है? The policeman catches robber. तो जो policeman है वो उन्हें catch करते हैं, right? So the policeman catches robber. Policeman always keeps a gun with himself. जो policeman है वो क्या करते हैं? हमेशा अपने साथ में एक gun रखते हैं. He always wears his clean uniform on duty. वो हमेशा clean uniform duty में पहनते हैं regularly, right? He has the duty to catch the thieves, right? Policeman की duty क्या रहती है? कि वो चोरों को पकड़े. So he has the duty to catch the thieves, right? Now next one, see the picture next. Who mends our shoes? Who mends our shoes? Means जो हमारे shoes है उसे कौन बनाता है? द कॉबलर मैंस अवर शूज़. जो कॉबलर होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे जूते बनाते हैं. अगर हमारे जूतों में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे सही करके देते हैं. कॉबलर्स करते हैं, राइट? सो हु मैंस अवर शूज़ मीन्स हमारे शूज़ों को कौन बनाता है? द कॉबलर मैंस अवर शूज़. कौन बनाता है हमारे शूज़ को? कॉबलर. कॉबलर मैंस अवर शूज़. अ कॉबलर डज अ हम्बल जॉब.
अब जो कॉबलर है उनकी ड्यूटी क्या है, वो बहुत हम्बल है क्योंकि हमारे शूज़ को वो बनाते हैं, मेंड्स करते हैं। ही मेक्स एन ऑनेस्ट लिविंग बाय मेंडिंग शूज। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर, इन नेक्स्ट पिक्चर बस ड्राइवर इज देयर, राइट? सो हु ड्राइव्स द बस, हु ड्राइव्स द बस मीन्स व्हाट? जो बस है उसको कौन ड्राइव करता है? द ड्राइवर ड्राइव द बस। तो बस को कौन ड्राइव करता है? ड्राइवर ड्राइव करता है, राइट? अब जो नॉर्मली स्कूल बस होती है, द बस ड्राइव्स बाय बस, स्कूल बसेस आर द सेफेस्ट वे फॉर किड्स टू गेट टू एंड फ्रॉम आवर स्कूल। मीन्स जो सेफेस्ट प्लेस कौन सी रहती है बच्चों की? स्कूल बस रहती है, राइट? उसमें बच्चे क्या रहते हैं? सेफ होते हैं क्योंकि जो ड्राइवर है वो उनका ख्याल रखते हैं, राइट? नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। इन नेक्स्ट पिक्चर हु इज ही? ही इज़ अ पोस्टमैन, राइट? सो हु ब्रिंग्स अवर लेटर्स? अब जो हमारे लेटर्स होते हैं वो कौन लेकर आता है? द पोस्टमैन ब्रिंग्स अवर लेटर। जो पोस्टमैन होते हैं वो क्या करते हैं? पोस्टमैन हमारे लेटर्स लेकर आते हैं, राइट? द पोस्टमैन इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब जो पोस्टमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, मीन्स वो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं, मीन्स उन्हें कौन जॉब देता है? गवर्नमेंट देती है, ओके? पोस्टमैन इज़ अ फैमिलियर फेस, ही वेयर्स खाकी ड्रेस एंड हैट। अब जो पोस्टमैन है उनका फेस आप नॉर्मली देखोगे, फैमिलियर फेस है, मीन्स आप जब भी देखोगे पोस्टमैन, कभी आपके नेबर, कभी आपके रिलेटिव के वहाँ पे क्या करते रहते, लेटर्स लाकर देते रहते, तो वो फैमिलियर फेस है। एंड ही वेयर्स खाकी ड्रेस एंड हैट। और वो नॉर्मली पोस्टमैन कौन से कलर का ड्रेस पहनते? खाकी कलर का ड्रेस एंड हैट, ओके? Now see the next picture. He is a barber, right? So who cuts our hair? जो अब हमारे बाल होते हैं उसे कौन कट करता है? Who cuts our hair? The barber cuts our hair. तो जो barber होता है, barber क्या करता है? हमारे बाल काटता है, right? Barber is a person whose occupation is to cut and style hairs and shave beards. अब जो barber है, barber जो एक person है, उनका काम क्या रहता है? ही कट्स अवर हेयर मीन्स वो हमारे बालों को कट करते हैं और हमारे हेयर्स को स्टाइल देते हैं, न्यू स्टाइल के हेयर्स कट करते हैं। एंड शेव बियर्ड्स मीन्स जो हमारी जो मेंस की बियर्ड्स रहती है उसे क्या करते हैं? वो शेव करते हैं, ओके? नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। इन नेक्स्ट पिक्चर हु इज ही? ही इज अ टेलर, राइट? सो हु स्टिचेस अवर क्लोथ्स? अब जो हमारे हु स्टिचेस अवर क्लोथ्स मीन्स के जो हमारे ड्रेसेस है, क्लोथ्स है, कपड़े है, उसे कौन स्टिच करता है, कौन सिलता है? द टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ। तो जो टेलर होता है वो क्या करता है? हमारे जो ड्रेसेस होते हैं उसे क्या करते हैं? सिलते हैं, राइट? अ टेलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। जो टेलर है वो हमारे सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं, ओके? ही हैज़ अ स्विमिंग मशीन, सीजर, इंच टेप, स्केल, चॉक एंड सर्वल क्लॉथ्स एंड पीस ऑफ क्लॉथ्स। तो जो टेलर है उनके पास में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे कि स्विमिंग मशीन। स्विमिंग मशीन में वो क्या करते हैं? उसमें कपड़े सिलते हैं, सीजर, कैंची, इंच टेप जिससे वो ड्रेसेस के नाप लेते हैं, राइट? स्केल, चॉक एंड सर्वल क्लोथ्स। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या रहते हैं उनके पास में? कपड़े रहते हैं जो हमें वो क्या करते हैं? डिज़ाइन करके क्लोथ्स देते हैं, राइट? एंड नाउ द लास्ट वन, हु इज ही? ही इज़ अ मिल्क मैन, राइट? सो हु ब्रिंग्स अस मिल्क? हु ब्रिंग्स अस मिल्क मीन्स हमारे घर पर दूध कौन लेकर आता है? हु ब्रिंग्स अस मिल्क? द मिल्कमैन ब्रिंग्स अस मिल्क। तो जो मिल्कमैन होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रिंग्स अस मिल्क मीन्स जो मिल्कमैन होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे वहाँ पर मिल्क लेकर आते हैं, राइट? आफ्टर ट्रैवलिंग सर्वल माइल्स ही डिलीवर्स मिल्क डोर टू डोर। अब वो क्या करते हैं? बहुत ट्रैवल करते हैं मिल्कमैन जो रहते हैं वो अपनी साइकिल पर। सी ओ भैया, ही इज़ ऑन साइकिल, राइट? सो वो अपनी साइकिल पर बहुत सर्वल माइल्स मीन्स बहुत बहुत दूरों तक का ट्रैवल करते हैं, डोर टू डोर, सबके डोर टू डोर मीन्स दरवाजे से दरवाजे तक क्या करते हैं? वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ही कैरीज मिल्क कंटेनर्स ऑन हिज बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल। अब वो क्या करते हैं? अपने बाईसाइकिल पे जो है मिल्क कंटेनर लेते हैं। सी द साइकिल, दिस इज़ अ साइकिल, राइट? एंड ही हैज़ अ मिल्क कंटेनर ऑन हिज साइकिल, राइट? दिस इज़ मिल्क कंटेनर। सो ही कैरीज मिल्क कंटेनर ऑन हिज बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल। वो क्या करते हैं? वो जो कंटेनर रहता है दूध का उसे कैरी करते हैं बाईसाइकिल पे, राइट? और हमें डोर टू डोर सर्विस देते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ओके?
सो दिस आर व्हाट दिस आर अवर कम्युनिटी हेल्पर्स मींस ये वो कम्युनिटी हेल्पर्स है जो हमारी कम्युनिटी हमारी सोसाइटी को रेगुलरली हमें हेल्प करते हैं. ओके सो दिस आर व्हाट दिस आर अवर कम्युनिटी हेल्पर्स. ओके.